सो हाय गाइस, आई एम बैक द वीडियो। और बहुत लोगों से मैंने पूछा कि यार क्या करना चाहिए चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप लोगों ने बोला कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, माइक आ गया है आप लोग, एंड एक और चीज़ मुझे बोला कि यार आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, आप किस तरह से एक एवरेज स्टूडेंट से टॉप में और अब एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। सो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पर एक सीरीज़ करूँ। सो अब मैं एक अपनी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी अब तक की लाइफ के बारे में बताता चाहूँगा कि यार किस तरह से मेरी लाइफ में क्या क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और जिनकी वजह से मेरा पर्सनैलिटी या यू नो मेरे कुछ अचीवमेंट्स आए, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो मेजर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मैं मेरे बारे शेयर करूँगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई कैन आई शुड बी टेलिंग हियर इज हाउ आई यू नो मेरा जो सबसे अर्ली स्टेपिंग स्टोन था ना, जिसकी वजह से मेरा एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ 2014 क्लास 9। सो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आज, बट बिफोर दैट अ बिट ऑफ बैकग्राउंड स्टोरी। तो मैं फटाफट 2 मिनट बता देता हूँ कि यार मैं 9th तक क्या पहुँचा था, तब तक क्या क्या हो गया था। सो देखो, मैं बचपन में बहुत नॉटी स्टूडेंट था, कुछ पढ़ता वढ़ता था नहीं, केवल मस्ती मारता था। बट धीरे धीरे यार क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं क्लास में बाकी लोगों से आगे निकल रहे थे। ये 2nd-3rd की बात बता रहा हूँ, 2nd-3rd क्लास की। तो यार मैं थोड़ा पढ़ने लग गया था, क्लास में मैं अपनी फर्स्ट रैंक आने लग गई थी मेरी 3rd या 2nd के आसपास, एंड वो फिर सिलसिला बहुत आगे तक चलता रहा। बट बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि लेट्स फेस इट, इंडिया में लैक्स ऑफ स्कूल्स हैं और मैं लैक्स ऑफ टॉपर्स हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल मैं ये बताना चाह रहा था कि यार 7th क्लास तक के लिए कि मैं स्कूल टॉपर था। 7th में मैंने एक एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरी उदयपुर में बहुत बेकार रैंक आई, टैलेंट बेस्ड एग्जाम था, पूरी सिटी बेस्ड था। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करने की सोची, 8th में कोचिंग में गया, तो वहाँ पे मुझे 2 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिनको मैं कभी पिछाड़ ही नहीं पाया। मैं काफ़ी पढ़ पढ़ के जाता था टेस्ट वगैरह के लिए, एग्जाम्स के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते रहते ना बहुत सारे टैलेंट्स आज, आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है। उस ज़माने में कोचिंग कल्चर इतना था नहीं जितना आज है, बट स्टिल थोड़ा बहुत था, और मैं अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ कोचिंग कल्चर में आता हूँ। सो उस समय मैंने थोड़े टैलेंट एग्जाम्स दिए, उनमें मुझे बहुत बेकार रैंक आई, एंड इस तरह से मैं कोचिंग में एनरोल हुआ। और वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल पिछाड़ नहीं पाता था, लाइक नो मैटर व्हाट आई डिड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टे बिहाइंड देम। सो फिर क्या हुआ कि मुझे यार एकदम से जलन आ गई यार कि यार इनको पिछाड़ना है बिजली करके, बट मैं बहुत मेहनत करता था, मैं कभी उनको पिछाड़ ही नहीं पाता था। जैसे आपके क्लास में भी होगा ना, कोई ना कोई टॉपर बच्चा होगा, इसको आप देख के सोचते होगे कि यार ये बंदा तो अलग लेवल पर चलता है, वी कैन नेवर एवर यू नो डिफीट हिम, या इससे आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता। सो फिर क्या हुआ कि 9th क्लास में मैं आया, तो 9th क्लास में यार एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियड। वो एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, वहाँ पर इंडिया से 6 बच्चों की टीम सेलेक्ट होती है, एंड दे गो फॉर कम्पीटिंग देयर, और काफ़ी डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है उसमें, 11th-12th के कॉन्सेप्ट भी आते हैं थोड़े बहुत। तो अब क्या था कि मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, 8th क्लास तक मैंने किसी तरह से 10th क्लास तक का थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, NCERT की, या साइंस थीटा कॉस थीटा क्या होता है, या बायोलॉजी केमिस्ट्री में ये रिएक्शन या ये सब समझ, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्योंकि वो मेरे को कोचिंग में पढ़ा दी थी, मैं थोड़ा खुद भी पढ़ता था। मैं कह रहा हूँ मैं 7th क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ने लग गया था, 7th-8th में मैं थोड़ा बहुत अपने भैया के थ्रू या भैया की बुक से मैं एक्स्ट्रा पढ़ने लग गया था, जिससे मेरा 10th क्लास तक का सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। फिर मैं आया 9th में, मेरी एग्जाम था, 11th-12th आता था। और क्या था कि मेरी क्लास में जो दो स्टूडेंट्स थी ना जिनसे मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता था, वो यार वो पता नहीं पहले से 11th-12th में क्या करके बैठी थी, उनकी हर टेस्ट में अलग लेवल पे मार्क्स आते थे, और मैं बिल्कुल ऐसा रहता था, फर्स्ट रैंक वाले के 80%, सेकंड रैंक वाले के 70%, उससे 3rd पे मैं रहता था, मेरे 40-50 होते थे, बाकी सब तो बहुत पीछे, तो उसके जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें से मैं बड़ा डिप्रेस रहता था कि यार ये क्या चल रहा है यार, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो क्या हुआ कि मैं 9th क्लास में बड़ा ठान लिया था कि यार अब तो मुझे बचाना है इस क्लास में, और मुझे किसी भी तरह से एग्ज़ाम के अंदर पहुँचना है, फाइनल तक पहुँचना है। बट मुझे पता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, बट स्टिल मैंने ट्राई किया। क्या हुआ कि फिर मैंने धीरे धीरे अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, 9th क्लास में आई स्टार्टेड स्टडिंग, 11th-12th का थोड़ा बहुत मैं शुरू किया। पहले मैंने HCVM से शुरू किया, HCVM में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, पहली बात एक 9th क्लास का बच्चा HCVM पढ़ रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो बट मुझे 10th तक का बेसिक क्लियर था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ता था, समझ में नहीं आता था कई बार, बट फिर भी पढ़ता गया। नहीं आता था तो खुद से क्लियर करने की कोशिश करता था, नेट पे ढूंढता था, कभी टीचर से पूछा, कभी भैया से पूछा, इस तरह से बहुत फाइट कर करके मैं किसी तरह से HCVM थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाया था। एंड थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के लिए मैं NCERT देखता था 11th की, और बायोलॉजी के लिए भी 11th की NCERT देखता था, क्योंकि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही यही है, उसमें बहुत हाई लेवल चीज़ें आती हैं। फिर भी कोचिंग के जो टेस्ट होते थे उनमें मेरी 3rd रैंक से ऊपर कभी नहीं आई, 2nd भी मैं कभी नहीं आया, वो दोनों गर्ल्स ही टॉप पे फर्स्ट सेकंड से सब सफल होती रहती थी। और टीचर्स का भी एटीट्यूड ऐसा रहता था कि यू नो अगर इस बैच से किसी का सिलेक्शन होगा तो केवल इन दो गर्ल्स का हो सकता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता है।
ये एक रहता था टीचर्स का स्टूडेंट्स का भी। सो उस एग्जाम में क्या होता है कि फर्स्ट केज में 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 30,000 स्टूडेंट्स गिव दैट एग्जाम। आफ्टर दैट 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दस 300 और इस तरह से प्रोसीजर होता है। फिर 35 में से 6 सेलेक्ट करते हैं ये थर्ड स्टेज में। सो ये उस एग्जाम का एक प्रोसीजर रहता है, आपसे बहुत लोगों को पता भी होगा। सो कुल मिला के ऐसा था कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि यार मैं बहुत फाइट कर रहा था बट आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फाइनली एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम आ गया दिन सिर पे 24 नवंबर 2013 की बात है। एग्जाम आया, मुझे लगा कि यार क्या चल रहा है ये, मेरे को कुछ तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम आ गया सिर पे। और बट मैंने मेहनत बहुत की थी उस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैं पूरा पढ़ के गया था अच्छे से, मेरा जितना बेस्ट था मैं करके गया। एग्ज़ाम हुआ, मैं बाहर आया, जिस तरह किसी तरह से मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। मुझे बाहर आते ही कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स ने इस तरह से बोल दिया कि कल पे अगर तुम्हारा एग्ज़ाम बुरा हुआ हो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारा अगले साल और चांस मिलेंगे, लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये वाली जो चीज़ होती है ना, सब लोग बोलते हैं एग्ज़ाम बेकार जाता है। तो यार मैंने जबकि बोला नहीं था मेरा एग्ज़ाम गलत किया, वो ऐसा चल के बोलने लग गया कि भाई तेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है चलेगा। मैंने ये क्या दिमाग खराब कर रहे हो यार। बट फिर क्या हुआ कि यार मुझे भी लगा कि यार मेरे तो अच्छा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, क्योंकि सुनने में आया कि उन दोनों गर्ल्स का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है एंड मुझे लगा कि यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो थोड़ा बहुत मैं उस दिन डिप्रेस हो गया था, काफ़ी रोया भी था। बट फिर क्या हुआ कि फाइनली एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और उससे पहले मैं पूरा मान लिया था कि यार टॉप होगा नहीं, अपन बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं, 9th क्लास के एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। रिजल्ट आया और इंडिया में मेरी 300 में से कुछ 280-290 पे सेलेक्शन हो गया था, और बाकी दोनों गर्ल्स का बहुत अच्छा टॉप 100 में रैंक आया था, मेरा 290-280 पे आ गया था। सबको बहुत एकदम आश्चर्यचकित रह गए थे, इंक्लूडिंग माइसेल्फ, कि मेरा हो कैसे गया भाई, मतलब कैसे हो गया, क्योंकि मैं कुछ था ही नहीं उस समय। बट यार मेरा किसी तरह से गॉड्स ग्रेस से हो गया था सिलेक्शन, और ये रिजल्ट आया था लगभग जनवरी की स्टार्टिंग के आसपास, और एग्ज़ाम था 2 फरवरी। मेरे पास था एक महीना जिसमें मुझे सेकेंड लेवल में 300 में से 35 में आना है। तो यार अब वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार अपन कहाँ 300 में आने में भी अपने पसीने छूट गए, अपन 33 में कहाँ आएंगे, एंड वो दोनों गर्ल्स का ही चांस था। इस बार तो टीचर्स ने पूरा बोल दिया था मुझे यार कल्पित तुम्हारा होगा नहीं, तुम तैयारी करो बट बुरा मत मानना नहीं, ऐसा बोल दिया था मुझे टीचर्स ने। बट फिर भी यार मैं पूरा ठान लिया था यार कि क्योंकि यार मेरे अंदर एक आग आ गई, फायर आ गई थी कि यार अब तो कुछ करना है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ करूँ नहीं और इन लोगों को आगे बढ़ने दूँ, मतलब ऐसा मेरे अंदर आ गया था, जबकि मुझे पता था मैं करूँगा नहीं, बट स्टिल भी फायर आ गई थी। एंड मैंने उस दिन बहुत सारी बुक्स मंगाई, HCL मंग तो थी, ई बादर नाम करके बुक आते हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के और न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और बायोलॉजी के अंदर भी कुछ NCERT वगैरह मैंने अच्छी इकट्ठा की। और जनवरी में 30-31 में से लगभग 15-16 दिन मैं स्कूल से छुट्टी लेगी, हर दूसरे दिन मैं स्कूल जाता ही नहीं था, और घर पर बैठ के 14-15 घंटे लगाता था पढ़ाई के। और मैं बताता हूँ कि वो जो मेरा लाइफ का पीरियड था ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाइफ डिफाइनिंग और सबसे हार्ड वर्किंग पीरियड था, उतना मैंने हार्ड वर्क कभी भी लाइफ में नहीं किया। सो उन बुक्स को मैं पढ़ने लग गया धीरे धीरे, तो उस एक महीने में मैं लगभग हर दिन 10-15 घंटे पढ़ाई हूँ मिनिमम, एकदम ऑनेस्ट स्टडीज थी क्योंकि वो दिल से आ रही थी एकदम। और मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, वापस से टेस्ट हुए, टेस्ट के अंदर मैं बहुत बेकार रहता था, वापस थर्ड आता था, मैं तीन लोगों में थर्ड आ रहा था अभी एक तो मैं। सो उन लोगों के वापस 80-80-70 मैं 50-40 पैसे अटकता था। बट मैंने पूरे एक महीने में तैयारी पूरी रखी, पूरी तैयारी की और पूरे दिल से मेहनत की। और मैंने अपने टीचर्स हर बार यही टीचर्स मैंने पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छा थे, बट टीचर्स का ऐसा रहता है ना कि वो नहीं चाहते उनका स्टूडेंट बुरा मान जाए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं इतना अच्छा था भी नहीं उस समय। तो मेरे टीचर बोलते थे कि यार कल्पित तुम तैयारी अच्छी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट बुरा मत मानना अगर सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये होता है। सो वो गलत नहीं थे अपनी जगह, बट मुझे यार वो चीज़ चुपती थी कि यार ये क्या क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा। और मैंने पूरा ठान लिया कि यार इस बार तो मुझे करने ही कुछ भी हो जाए। एंड एग्ज़ाम का डेट आया, 2 फरवरी आई, जयपुर में सेंटर था। सो मैं कभी अपनी सिटी से बाहर गया नहीं था पहली बार, ठीक है, मैं बहुत बड़ा नर्ड था, ठीक है। सो ये पहली बार था मैं 9th क्लास में अपनी सिटी से बाहर कभी गया। सो फिर क्या हुआ कि हम जयपुर गए, एंड मैं पेरेंट्स को बोल के गया था कि यार हम घूमने जाने, हमारा सिलेक्शन कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही मस्ती करने जा रहे हैं, कुछ सिलेक्शन होगा नहीं, एग्जाम देके आ जाएंगे। सो क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना जूनियर साइंस ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, वो अगर आप क्लियर करते हो ना तो एक और ओलंपियाड के लिए क्लियर क्वालिफाई कर लेते हो, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। तो दो एग्जाम होने वाले थे, एक जूनियर साइंस का, एक एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी में भी 20 बच्चे सेलेक्ट होने थे, इसमें भी 30-35 बच्चे सेलेक्ट होने थे पूरे इंडिया में से। और मैंने सोचा भाई साइंस तो पढ़ी जा रही नहीं, एस्ट्रोनॉमी में क्या होगा अपना, पर फिर भी चलो मस्ती करने चले गए आराम से, होटल वोटल में रुके, रूम में जयपुर, अगले दिन एग्ज़ाम था। मैं अपनी मेहनत पूरी करके गया था, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम हुआ, मैं 3 घंटे पास किए, किस तरह से एग्ज़ाम लिखा जैसा मैं चाहता था। एंड मैं एग्ज़ाम के बाहर आया ना, तो वो दोनों बच्ची लड़कियाँ डिस्कशन करते हुए दिखी, मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला हमारे एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं वहीं पर मर गया है, क्या बोल रहे हैं, मेरा तो इतना बेकार हुआ, इनका अच्छा हो गया एकदम। सो आई वॉज लाइक कि क्या है यार। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मैं तो सोच के भी नहीं आता मैं सिलेक्शन होगा, घर पे चलते हैं।
घर गया, मुझे किसी ने पूछने तक का नहीं सोचा कि कल्पित कैसा हुआ, सबको लगा यार इसका तो क्या होगा, मैंने भी सोचा यार था का यार क्या है, मैं टेंथ का पढ़ने लग गया, मेरा एग्जाम आ गया थे, सही पे नाइन्थ के तो वो पढ़ने लग गया, और रिजल्ट आया और रिजल्ट पता है क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि पूरे उदयपुर में से केवल मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा दोनों एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था, इवन उस एग्जाम में जिसमें पढ़ के नहीं गया था, और उन दोनों गर्ल्स का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरी उन दोनों एग्जाम में इंडिया में टॉप 20 में रैंक आई थी। अब ये मेरी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट क्यों था वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक बच्चा था जिसकी उदयपुर में 10-20 में रैंक आनी रही थी और मैं केवल एक साल के अंदर इंडिया में टॉप 20 में आ गया था, केवल एक साल में। और क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने रिजल्ट की चिंता के बिना केवल अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखा एंड आई डिड व्हाट आई लव्ड। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्यार हो गया था एंड मुझे किसी तरह से फायर आ गई थी कि मुझे एग्जाम निकालना है कुछ भी हो जाए, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट और फाइनली मैं कर भी पाया वो। और आगे का क्या हुआ मैं बताता हूँ कि आगे क्या, इसके थर्ड स्टेज में मुंबई में कैंप होता है, तो मैं 14 साल का था, मुंबई गया मैं कैंप में, 30 दिन का कैंप था, सो वहाँ पे यार बहुत इंटेलिजेंट लोग आए थे, लाइक मेरे साथ IIT बॉम्बे में कुछ लोग जो मेरे साथ पढ़ते हैं ना वो भी वहाँ पे थे, सो उन लोगों के बीच में मैं बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, बट बहुत ज़्यादा से नहीं चुका था, लाइक 70% पे जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ था 6th रैंक पे उसका था, मेरे 66% आए थे, सो उसमें भी मतलब मैं टॉप 10-15 में रहा था, बट मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट फिर मैं मुंबई से वापस आया और उसके बाद की कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा कि मुंबई से आने के बाद जो 10th क्लास 11th क्लास की किस तरह से बीती वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियोस में। सो अब ये जो पीरियड था ना, ये जो जनवरी 2014, इसने मुझे दुनिया भर की चीज़ें सिखा दी कि एक तो हार्डवर्क मैंने 14 घंटे पढ़ाई यूज़ की ना, तो उससे मैं कहाँ 300 में भी नहीं था इंडिया में, मैं टॉप 20 में आ गया और कहाँ से कहाँ मतलब एकदम पूरा लेवल ही शिफ्ट हो गया मेरा, कॉम्पिटिशन भी बदल गया, पहले मैं उदयपुर में दो लोगों से भिड़ता था, अब मैं इंडिया के टॉप लोगों से भिड़ता था। सो यहाँ पे एक दो चीज़ें मुझे पता चली, पहली बात ये कि आपको लोग बहुत कुछ कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उनको सुनो और उनसे अपने अंदर एक फायर लाओ कि यार ये मैं कर सकता हूँ और उस पर वर्क करो। मैंने वही किया, मुझे लोग बोलते थे कि तेरा नहीं होगा, मैंने अपने अंदर फायर ला के वर्क किया बिना किसी रिजल्ट की चिंता के, केवल अपनी मेहनत के लिए, एंड आई डिड वेल। और ये मुझे बार बार सोच के इतना मोटिवेशन मिलता है ना, आज भी मैं कभी भी दिक्कत में होता मैं सोचता हूँ कि 9th में मैं 2014 के जनवरी में मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, किस तरह से उन दोनों को हराया था, सो उससे मुझे काफ़ी यार एकदम मोटिवेशन हो जाता है, एकदम दिमाग में मतलब बहुत चीज़ें मैं पढ़ने लग जाता हूँ, बहुत अच्छा अगले दिन करके आता हूँ। सो ये क्या है, कुछ इस तरह की लाइफ डिफाइनिंग चीज़ें होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं और कुछ मेमोरीज बन जाती हैं। सो उनमें से ये मेरी मेमोरी जो है ना 9th की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है। 9th क्लास में जो और भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं काफ़ी मेरे भैया का सिलेक्शन उस समय हुआ था मेडिकल कॉलेज में एम्स में, और भी चीज़ें मेरी फैमिली में बहुत अच्छी अच्छी हुई थी और मेरा जो एकेडमिक लेवल है ना काफ़ी बूस्ट हुआ था, लाइक 8th में मैं बहुत ही पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं, ज़्यादा स्कूल में टॉप कर लिया बहुत है, और 9th में कहा मैं इंडिया में 20 स्टूडेंट से कम्पीट कर रहा था, सो वो एकदम से एक माइंड ब्लोइंग चीज़ थी बिल्कुल, मतलब दिमाग ट्रांसफॉर्म हो जाता जब भी मैं सोचता हूँ, इवन ये वीडियो बनाते समय मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार कैसे कर लिया मैंने। तो एक और यह है कि कभी किसी को अपने आप से ऊपर में समझा करो कि ये बंदा मुझसे आगे तो आगे ही रहेगा, नहीं है, मेहनत करोगे तो मुझसे आगे निकल जाओगे। और पता है 9th के बाद मैं हर एग्जाम में उन दोनों गर्ल्स चर्चा करके आया, उदयपुर का टॉपर मैं बना, और इसी से कहीं सिमिलर मेरी जेई की स्टोरी भी है जो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। सो ये एक वीडियो थी कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट लाइफ का पोर्शन है मेरा कि मैं किस तरह से एक एवरेज से एक टॉप स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी एवरेज ही कहते हैं जो मैं 8th में था, ही इज़ कंसिडर्ड एवरेज स्टूडेंट लुकिंग फ्रॉम यू नो वर्ल्ड के एक्सपेक्टिव से देखें तो। सो ये मेरी वीडियो मोटिवेशनल सीरीज या मेरी लाइफ सीरीज का एक पहला पार्ट था जिसमें मैंने अपनी बचपन से लेकर 9th क्लास तक की स्टोरी आपको सुनाई और किस तरह से मैंने यू नो एक बहुत बड़ा हर्डल पार करके उसको यू नो ओवरकम किया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 10th, 11th, 12th में और जेई से पहले मैंने क्या क्या किया, और जेई की वीडियो उसके बाद होगी जो सबसे खतरनाक वीडियो वही होगी सीरीज की, क्योंकि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ही पार्ट है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट ITB एंड यू नो किस तरह से मैं अब अपने एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स पे काम कर रहा हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।